हाय फ्रेंड्स, मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। दो किस्से शायद आपस में जुड़े हुए हैं, शायद छोटी सी सीख भी देते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। थकी मांदी अनुराधा जी सुबह 11 बजे की निकली निकली शाम को 6 साढ़े 6 बजे घर पहुंची। घर पहुंची तो देखा उनके पति और इकलौता बेटा टीवी पर अपना फेवरेट चैनल क्रिकेट देख रहे हैं। दोनों ही बड़े मूड में थे। अनुराधा जी को देखते ही बेटे ने कहा, ओके मामा, फाइनली आप आ गई। हस्बैंड ने कहा, देर हो गई अनुराधा। हाँ, आज मीटिंग थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई, सभी कार्यकर्ताओं को सारे काम समझाने थे। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी थकी हुई लग रही हो, चाय वाय पी लो। हाँ जाती हूँ। सरोज कहाँ है? सरोज वो तो तुम्हारा इंतजार करके अभी 15-20 मिनट पहले निकली है। ओह, और शायद आज तुमने उसको खाने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिए थे। वही तो मैं सोच ही रही थी, मुझे अभी अभी रास्ते में याद आया कि ना तो मैंने उसे आटा गूंथने के लिए कहा था, ना ही सब्जी वगैरह काटने के लिए बोला था। सुबह मैं हैवी नाश्ता बनाने के चक्कर में लगी रही, वो अपने दूसरे काम में लगी हुई थी, और चलते चलते जल्दबाजी में मैं उसे कुछ बोल भी नहीं पाई। खैर चलो, चाय वाय बनाओ, फिर देखते हैं क्या करना है। अनुराधा जी उठी, मुंह हाथ धोकर किचन में पहुंची और चाय चढ़ा दी। साथ में बोली, आप भी लेंगे चाय? हस्बैंड ने वहीं से बैठे बैठे कहा, बना लो आधा कप। ओके, और बेटा तुम? बेटे ने कहा, नहीं मम्मा, मिल्क शेक बनाओ ना प्लीज मेरे लिए। ओके, खाने में क्या खाओगे तुम लोग? कुछ भी चलेगा। अनुराधा जी ने कहा, ठीक है दाल रोटी बना लेती हूँ। दाल रोटी? नो मम्मा प्लीज, दाल रोटी नहीं। अरे तो क्या खाओगे? मटर पनीर वगैरह कुछ बनाओ ना। पनीर है क्या? पनीर हाँ शायद होगा, तो वही बनाओ प्लीज। ठीक है, पति से पूछा तो उन्होंने कहा, अरे यार तुम वैसे ही थकी हुई आई हो, कुछ भी बना लो। मैं सोच रही थी, सुनो अनुराधा प्लीज, बाहर चल के खाने के लिए या बाहर से कुछ लाने के लिए मत कहना, बहुत इंटरेस्टिंग मैच आ रहा है, मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ इसको छोड़ने के। ओके ठीक है। अनुराधा जी ने चाय का कप हाथ में लिए लिए ही वहीं खड़े होकर खाने की तैयारी शुरू कर दी। आज का दिन वाकई में बड़ा थकान भरा था। एक्चुअली अनुराधा जी महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष हैं। स्त्रियों के जितने भी अधिकार हैं उसके प्रति वो बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं। किसी भी महिला का शोषण उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहती हैं कि समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले, और इसीलिए उन्होंने आज सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, उनको अगला एजेंडा दिया, सारी बातें समझाईं, अगला आंदोलन क्या होगा, कैसे हमें उन स्त्रियों के खिलाफ आवाज उठानी है जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शोषण होता है। और शोषण सिर्फ शारीरिक नहीं होता है, मानसिक भी होता है। अगर आप मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं या फिर अपने ही फैमिली मेंबर के बीच में आपको शोषित किया जा रहा है काम के नाम पर या किसी भी और तरह से, तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं। इसी बारे में उन्होंने सबको जागरूक किया। सभी उनके लेक्चर से बहुत प्रभावित हुई थी। यही सोचते सोचते वो खुश हो रही थी कि आज की मीटिंग काफ़ी सक्सेसफुल रही। सभी महिला कार्यकर्ता उनको बहुत मानती हैं, आखिर वो उनके हकों के लिए लड़ती भी तो हैं। चलिए खैर, बात करते हैं सरोज की। सरोज को आज जल्दी जाने को मिल गया था। भाई अनुराधा जी ने कोई इंस्ट्रक्शन दिए नहीं थे, तो सरोज के पास ज़्यादा करने के लिए कुछ था नहीं, तो इसलिए वो 5 बजे करीब ही घर से निकल गई थी। अपने घर पहुंची तो देखा उसकी बिटिया, 8th में पढ़ती है उसकी बेटी, बैठी सब्जी काट रही थी, बगल में ही आटा भी गुथा रखा था। अरे सुमन, तू क्या कर रही है बिटिया? अम्मा तू आ गई? हाँ क्यों? अरे मैं सोच रही थी तेरे को अक्सर इतवार को देर हो जाती है, तो अम्मा मैंने ना तेरे लिए आटा भी गूंथ दिया और तेरे लिए सब्जी काट रही हूँ, और तू ना आती तो मैं आज सब्जी भी बना देती। अरे मेरी बिट्टो, सब्जी भी बना देती? कितनी अच्छी बच्ची है, सब्जी कैसे बनाती भला तू? मैं? बाबू भी जल्दी आ गया है आज। अच्छा कहाँ है वो? बाहर हाथ मुंह धो रहा है। जल्दी क्यों आ गया? आज बाबू बोल रहा था कि दुकान में ज़्यादा काम नहीं था और मालिक को कहीं शादी में जाना था, तो उन्होंने जल्दी छुट्टी दे दी। अरे वाह, ये अच्छा रहा। बाबू ने कहा था तू सब्जी काट, मैं बताता हूँ कैसे बनाएंगे, आज अम्मा को सरप्राइज देंगे। सरप्राइज? अंग्रेजी बोलने लगी। हाँ अम्मा, मेरे स्कूल में कहते हैं एक एक शब्द करके सीखोगे तो धीरे धीरे बहुत सारे शब्द सीख जाओगे। वाह लाडो, बहुत अच्छा।
तेरे ऊपर मैं मेहनत करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। आखिर तेरे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना ही मेरा सपना था। तेरे बाबू भी तेरे लिए मेहनत करते हैं। अम्मा देखना, मैं बहुत अच्छी लड़की और बहुत बड़ी आदमी बन के दिखाऊंगी। अफसर बनूंगी, अफसर। जुग जुग जियो मेरी बच्ची। चल हट जा, खाना मैं बनाती हूँ। अम्मा बनाने देना, बाबू से पूछ के मैं सब्जी बनाती हूँ। चल बना ले। अम्मा तू देखना, टीवी देख ले आज। टीवी? हाँ अम्मा, इस समय एक बहुत अच्छा सीरियल आता है। तू तो अक्सर लेट हो जाती है। इस समय देख कितना अच्छा सीरियल है। कितनी सुंदर सुंदर साड़ी पहनती हैं उसमें औरतें। चल आज यही सही, तेरा मन है तो तू बना के खिला मुझे खाना। मैं और बाबू दोनों मिलके बनाएंगे। अच्छा, ठीक है, बनाओ तुम लोग। यही सोचते सोचते आराम से पैर फैला के सरोज टीवी के आगे बैठ गई। हस्बैंड ने भी उससे कहा कि वो आराम करे, आज दोनों लोग खाना बनाएंगे। माँ बाप बेटी दोनों खाना बनाने में लग गए। उधर अनुराधा जी बड़बड़ करे जा रही थी। बताओ, मटर पनीर बनाने के लिए अब मसाला भी पीसना पड़ेगा। उन्होंने बेटे से कहा, विभास थोड़ा आओगे बेटा? क्या मम्मा, प्लीज जल्दी बोलो। वैसे ही आज 3 घंटे का कोचिंग था, मैं इतना टायर्ड फील कर रहा हूँ। आप खाना बना के दो तो मैं सोने जाऊँ। हाँ थोड़ा सा मटर छिलवा दे। मम्मा ये लेडीज वाले काम मुझको मत बताया करो। ओके ओके चल ठीक है, तू बैठ, मैं करती हूँ फटाफट। ले सब्जी में ज्यादा मीन मेख मत निकालना, फिर तू कहता है ये नहीं करा वो नहीं करा। अब साधारण सी सब्जी बना रही हूँ। अच्छा बना के दो तो, आप तो यार लेक्चर बहुत देती हो। ये कहते कहते सरोज जी के साथ साथ अनुराधा दोनों अपने अपने घर के कामों में लग गई। आज सरोज का दिन था, वो घर के काम से फुर्सत होके आराम कर रही थी। और आज अनुराधा जी का दिन था कि वो अपने घर की और अपने परिवार वालों की सेवा टहल में लगी थी। चलिए जिंदगी अपनी अपनी, पता नहीं कहाँ महिला मोर्चा किस काम में लगा हुआ होगा। अनुराधा जी किसके शोषण और किसके अधिकारों की बात कर रही थी, नहीं पता। खैर आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।